प्रदेश सरकार के अजब गजब अफसर, सड़ गए गेहूं नहीं ली खबर। मध्य प्रदेश सरकार के मतदाता रूपी गरीब भगवान को अब सरकार के ही अफसर अन्नदान योजना में जहरीले अन्न का भोग लगाएंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जिला विपणन संघ के माध्यम से मई 2018-15 माह पूर्व लगभग 47 करोड़ रुपए का 24,000 मैट्रिक टन गेहूं को ऊन टेमला और भीकन गांव ओपन केप में रखा गया था। आपको बता दूं कि यह धार और उज्जैन जिले की समितियों के माध्यम से किसानों से खरीदा हुआ गेहूं था। हालांकि आशंका यह भी है कि इस गेहूं की खरीदी में कतिपय राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अनाज व्यापारियों के खराब गेहूं को खपाया गया है और भंडारण के लिए धार और उज्जैन से खरगोन परिवहन कर भिजवाया गया है। गेहूं को लंबे समय तक खुले में रखा गया था, जबकि इन्हें पक्के गोदामों में रखा जा सकता था। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार 3 माह से अधिक खुले केप में गेहूं नहीं रखा जा सकता है, लेकिन खराब गेहूं को और खराब होने तक खुले में रखना सोची समझी साजिश जैसा लगता है। बताया जा रहा है कि हजारों मैट्रिक टन गेहूं में से कुछ टन गेहूं खपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कंट्रोल दुकानों पर जब खराब गेहूं वितरण की खबरें सुर्खियों के चलते सामने आईं तो इस काम को रोकना पड़ गया। लेकिन अपनी करनी छिपाने के लिए अब इन सड़े गले गेहूं पर भी कीटनाशक छिड़काव किया जा रहा है। बारिश की नमी और उस पर कीटनाशक छिड़काव के बीच सल्फास रखना गेहूं में जहर छोड़ने के बराबर है। नमी के चलते ये दवाइयों का असर गेहूं को कितना जहरीला कर देता है, इसकी जानकारी सभी को है। लेकिन जिला विपणन अधिकारी और उनके अफसरों का कहना है कि इस गेहूं की छटनी कर अच्छा गेहूं कंट्रोल के दुकानों के माध्यम से गरीबों को दिया जाएगा। पर ये तो एकदम साफ है कि ये जहर अब मतदाताओं के भाग में है, जिस पर समय रहते सरकार को ध्यान देना होगा, वरना आने वाले समय में गरीबों में बंटने वाले अनाज से हजारों लोगों की बेमौत मौतें हो सकती हैं। अभी हम आए यहाँ पर देख रहे हैं, गेहूं बड़ी मात्रा में खराब हो रहा है, घुन लग रहे हैं, आटा हो गया है, क्या किस तरह की निगरानी की जा रही है? आटा नहीं हुआ है, आटा तो कुछ तब 7-15 महीने हो गए, क्या कुछ में चल रहा, दवाई भी चल रही है, बरसात के मौसम में तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है, घुन में रखा है तो कितना माल रखा हुआ है? 23,400। कहाँ का है ये, कब से कर रहे हैं आप इस? हाँ, जिले का है, पिछले साल मई का है। तो जैसे यहाँ पर कई बार चोरी की घटना भी हो चुकी है, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं? सिक्योरिटी गार्ड रखे ना, तो बार बार चोरी क्यों होती है? नहीं, बार बार कहाँ चोरी हुई, दो बार चोरी हुई? नहीं, एक ही बार हुई थी शुरू स्टार्टिंग में, बस उसके बाद से तो नहीं आज तक। इतने लंबे समय से माल रखा हुआ है, उसके बावजूद धुन लग रही है, आटा हो रहा है, इस तरीके से अपना काम था, सुरक्षा अपन अपनी तरफ से सब कर रहे हैं, बाकी क्या गवर्नमेंट का काम है, अब गवर्नमेंट कहाँ ले जाए, क्या करेगी, उनके ऊपर है ना, अपन थोड़ी कर सकते, छोटे कर्मचारी अपने को देख रेख के लिए बोला तो देख रेख कर रहे हैं, इस तरीके की देख रहे हैं। अनाज तो वैसे भी खराब ही हो रहा है? नहीं, खराब नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा माल है, माल अच्छा है, लेकिन हम लोग अब इतने परसेंट 5% इतने माल में 2-5% तो खराब होगा ना। आपको किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है, कब से रखा है ये, कब आया था माल, ये वेयर हाउस कब शुरू हुआ था? मई में, 26 मई को। अच्छा, क्या जिम्मेदारी है आप लोगों की? जिम्मेदारी यही है कि भाई इनको खोलो, टाइम पे दवाई कराओ, और क्या है, उसके बावजूद खराब हो रहा है। नहीं, तो बरसात का टाइम है, मौसम दो बरसात खा चुका, ठंड खा चुका, गर्मी खा चुका है। ये गेहूं का वितरण कहाँ होता है? ये आप सरकार जहाँ बोलेगी वहाँ जाएगा, अपनी थोड़ी बोल सकते हैं। अच्छा, गरीबों को जो बढ़ता है वो नहीं, ये गरीबों में जाएगा, ये बाहर जाएगा, महाराष्ट्र का अनाज जो है कहीं जाएगा। पर ये खराब अनाज हो गया, और ये खाएंगे तो इंसान ही खाएंगे ना, वो तो गवर्नमेंट जाने कहा ले जाएगी, क्या कितने समय में इसका ध्यान रखते हैं, क्या करते हैं इसके लिए? आज तीसरे चौथे महीने में दवाई करवाते हैं, तीसरे महीने में। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में खराब हो रहा है? बड़ी मात्रा में ना, इसलिए क्या आदमी संभाल रहा है। क्या नाम लिखते हैं? महेश कुमार चौधरी। किस तरह केंद्र प्रभारी खरगोन। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खरगोन से फरीद शेख की रिपोर्ट।